बैक टू द कैनेडियन फीवर चैनल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि मैंने आप सभी के साथ वादा किया था कि आपको इवनिंग एंड मॉर्निंग स्लॉट के आंसर देखने को मिल जाएंगे, फिलहाल तो मैं लेट हूँ आंसर्स के लिए क्योंकि ऑलरेडी नेक्स्ट डे मैं बना रहा हूँ, संडे को ये वीडियो आपको देखने को मिल पाएगी। बट हाँ, मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं ये वीडियो अब अपलोड कर रहा हूँ। बट गुड न्यूज़ ये है कि आपको इवनिंग स्लॉट में हमारे दिए गए मटेरियल में से देखने को क्वेश्चन मिले हैं, दो पैसेज देखने को मिले हैं हमारे रीडिंग में और एक पैसेज देखने को मिला है लिसनिंग में। लिसनिंग मैंने अपलोड की थी फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप चाहे हमारे चैनल पर जाकर अभी भी चेक कर सकते हैं। 15 जुलाई को इवनिंग स्लॉट में 1 to 10 क्वेश्चन हमारे सिमिलर आए थे एंड 31 एंड 40 भी आए थे। तो यही दो आंसर मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है जी। आप देख सकते हैं फर्स्ट आंसर ए रेडियो प्रोग्राम था, सेकेंड था LS1421W, थर्ड आंसर था हिंगिंग को यूके, फोर्थ आंसर था टू एंड फिफ्थ आंसर था जॉइंट मेंबरशिप, सिक्स्थ आंसर 49 था, इसे 49 आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, सेवन्थ आंसर था द यूनियन बैंक, एट्थ आंसर था 15th अक्टूबर, नाइन्थ आंसर था JYZ37 एंड 10th आंसर था वीडियो। 31st आंसर की बात करूँ कास्ट, 32nd की केव्स, 33 क्ले, 34 रेनफॉल, 35 इमिग्रेशन, 36 फाउंडेशन, 37 पाउंड्स, 38 ट्रीज एंड 39 एग्रीकल्चर एंड 40 मैड आंसर था। बाकी आंसर नहीं पता लग पाए हैं, जो हमारे मटेरियल में से आए थे वो आंसर आपको मैंने शेयर कर दिए हैं। अगर आपको 21st से लेकर 38 तक आंसर कोई भी पता है तो प्लीज़ बताइएगा, अगर इसमें से कोई आंसर गलत है प्लीज़ वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर बात करें रीडिंग सेक्शन की, रीडिंग सेक्शन के फर्स्ट पैसेज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो जितने आंसर पता लगे हैं वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ। फर्स्ट आंसर की बात करूँ डिसीज था, सेकंड आंसर का पॉलिटिकल था, फिफ्थ आंसर का म्यूजियम था, उसके बाद इकोनॉमी आंसर था, एक का था प्रॉफिट था, नाइन्थ से 13 तक ट्रू फॉल्स थे, ट्रू नॉट गिवन फॉल्स, फॉल्स नॉट गिवन ट्रू आंसर था, उसके बाद द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज अगर आपको पैसेज आया था तो इसके आंसर इस कुछ इस तरह से सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, DJCBF फॉल्स, नॉट गिवन ट्रू, नॉट गिवन AADBC, ये था द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज के आंसर अगर आपको पैसेज एग्जाम में आया था। जिनको एलिफेंट कम्युनिकेशन आया था आंसर, उनके आंसर ऐसे थे 29 से बॉडी पैड, 31 कैविटीज, 34 ट्रंक्स एंड फीट, 33 इंफ्रासोनिक, 34 इकोलॉजिक, 35 सेमनिक मैसेजेस या 36 कम्युनिकेशन, 37 मेट एंड 38 ग्राउंड एंड 39 एंड 40 AC आंसर था। तो उम्मीद करूँगा सभी बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम करके आए होंगे और मैं भगवान से प्रेयर करूँगा आप सभी बच्चे अपने डिजायरमेंट अचीव करें और जल्द से जल्द अपनी ड्रीम कंट्री मूव कर जाएँ। तब तक लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। जिन बच्चों को अपने राइटिंग के आंसर चेक करने हैं, क्वेश्चन चेक करने हैं, उसका एक सैम्पल आंसर हमने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया, वो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तब तक लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू for your result.